हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो भी आपकी दिसंबर की एग्ज़ाम है, ठीक है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो पेपर वन है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपकी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है वो हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एकदम छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ लेंदी है नहीं, तो बस आप प्रॉपर खाली ये वीडियो देख लो तो आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स और वो सब कुछ चीज़ें क्या क्या है वो बेसिकली आपको समझ जाएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, एक चीज़ और कि सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट है ना, चाहे आप सीजी का पेपर दे रहे हो या चाहे आप डीडी का पेपर दे रहे हो, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट है ना सीएसआर का कंसेप्ट है, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है जिसमें कोविड को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की कर दी गई है, बराबर। तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है वो वीडियो का, तो वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। दैट इज़ ओनली फॉर द सीएसआर अमेंडमेंट जो आपको दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है। तो वो एक पूरा प्रॉपर एक वीडियो हमने सेपरेट से बना के रखा है जिसमें अंदर आपको खाली सीएसआर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाकी सीएसआर को छोड़ के जो अमेंडमेंट्स है वो हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी सीजी के एग्जाम के लिए यूजफुल है, पेपर वन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। जैसे देखो काफ़ी सारी कंट्री के अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, ठीक है, वैसे ही एक इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आया है अभी, तो उसके ऊपर देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हैं। सो द इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज विथ शेयर्स लिस्टेड ऑन द इटालियन मेन मार्केट, ठीक है। तो इटाली जैसे यहाँ पे कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे वैसे इटालियन मेन मार्केट जो है, ठीक है, वहाँ पे जो भी कंपनी लिस्टेड है वो सबको इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड मानना पड़ता है, मैनेज बाय बोर्सा इटालियना। ओके, देन द कोड हैज सिक्स आर्टिकल्स एंड ईच आर्टिकल ऑफ द कोड इज डिवाइडेड इनटू प्रिंसिपल्स व्हिच डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनटू रिकमेंडेशंस व्हिच इंडिकेट द बिहेवियर दैट द कोड डिम्स अप्रोप्रिएट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेटेड इन द प्रिंसिपल्स। कि यहाँ पे है ना टोटल 6 आर्टिकल्स है, हर एक आर्टिकल्स में कुछ प्रिंसिपल्स बताए इन्होंने कि जो भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है जो इटालियन मेन मार्केट में लिस्टेड है उनको ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और प्रिंसिपल को फॉलो करके ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। मतलब एक बोलते ना एक रोड मैप दे दिया है इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कि तुमको तुम्हारा टारगेट अगर अचीव करना है तो इस प्रिंसिपल के बेस पे ही अचीव होना चाहिए, ठीक है। देन द कंपनीज अडॉप्टिंग द कोड प्रोवाइड इन दर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एक्यूरेट इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जॉस्टिव एल्बिट कंसाइज इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द कोड इज अप्लाइड। कंपनी को अपने जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, एनुअल रिपोर्ट जब कंपनी बनाता है तो उसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होगा उसमें एक्यूरेट तरीके से लोगों को समझ में आए और कैसे क्या प्रिंसिपल्स हैं, कंपनी ने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट आया, ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर कंपनी को हाईलाइट करनी पड़ेगी टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली ये लोग क्या करने बोल रहे हैं आपको कि भाई तुम इटालियन मेन मार्केट में लिस्टेड हो ना, तो तुमको क्या करना है, तुमको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करो, अपने टारगेट को अचीव करो, और उसके बाद जब एनुअली रिपोर्ट्स बनाओगे तो उस रिपोर्ट के अंदर प्रिंसिपल्स क्या थे, तुमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, उससे तुमको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें पब्लिश भी करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को। द कंपनीज डिस्क्लोज इन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हाउ दे हैव स्पेसिफिकली अप्लाइड द कोर्स प्रिंसिपल्स। द चॉइस टू डिपार्ट फ्रॉम वन और मोर रिकमेंडेशन ऑफ द कोड मे डिपेंड ऑन द फैक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द कंपनी वेयर बाय द प्रैक्टिस रिकमेंडेड बाय द कोड मे नॉट बी फंक्शनल और कंपैटिबल विद इट्स गवर्नेंस मॉडल। देखो कुछ कुछ फैक्टर्स अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो तुमको कुछ अलग प्रिंसिपल्स लगेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ अलग प्रिंसिपल्स लग जाएंगे, आईटी वालों को थोड़े अलग ज़्यादा लगते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से प्रिंसिपल्स को तुमको देखना है कि विच प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू यू, और अकॉर्डिंगली तुमको कोड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू इंश्योर
a proportional application of the code. Some recommendations are calibrated according to the company's size and ownership structure providing for. देखो अलग अलग principles दे रहे हैं कोड में भी बहुत सारे इन्होंने अलग variations बनाए हैं जैसे कि अगर कंपनी की साइज इतनी है मतलब एक छोटी कंपनी है लिस्टेड है तो उसके लिए क्या कोड होगा ठीक है अगर मिड साइज कंपनी तो उसके लिए क्या क्या कोड होगा लार्ज साइज कंपनी है तो उसके लिए क्या कोड होगा तो ऐसे अलग अलग साइज के लिए बनाए हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से होंगे तो उसके लिए अलग अलग तरीके से कोड बनाए हैं तो ओवरऑल हर एक लोगों को कवर कर दिया हर एक कंपनी को यहाँ पे कवर कर दिया है सो प्रोवाइडिंग फॉर अ सेट ऑफ रिकमेंडेशन इंटेंडेड एंड ओनली फॉर द लार्जर कंपनीज कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कोड के अंदर जो खाली लार्जर कंपनीज को एप्लीकेबल है अब लार्ज कंपनी जब मैं बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं कि लार्ज कंपनी को एप्लीकेबल है तो लार्ज कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है तो वो कोड में लिखी है कि किसको तुम लार्ज कंपनी बोलोगे ठीक है अ सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन ऑफ सम रिकमेंडेशंस बाय द कंपनीज अदर देन द लार्ज वंस कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो लार्ज कंपनीज को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है एंड द अडॉप्शन ऑफ द सम रिकमेंडेशन टू द कंपनीज विद द कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप दैट इज द कैटेगरी ऑफ द कंपनीज विच कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप कंटेन इन द कोड जैसे कुछ अलग कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप वाली कंपनी है उसकी भी डेफिनेशन तुमको ये कोड के अंदर मिल जाएगी तो उसके लिए कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन भी है वो तुमको फॉलो करने हैं तो ये एक ओवरऑल इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड है इसका एक ब्रीफ हाईलाइट यहाँ पे आपको अमेंडमेंट में पढ़ना पड़ेगा ठीक है अभी हम लोग जाते हैं चैप्टर वाइज अमेंडमेंट तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि चैप्टर नंबर 5 बोर्ड कमिटी में क्या चीज है ठीक है सो बोर्ड कमिटी में जो चैप्टर है अपना चैप्टर 5 उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है आरएम जिसको मैं बोलता हूँ आरएम कमिटी ठीक है तो आरएम कमिटी पहले क्या था पहले टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल था नाउ इट इज एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी अब ये 1000 हो चुका है ठीक है कंपोजिशन तो ये कमिटी बनेगी कैसे तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स विद द मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होने चाहिए 3 में भी मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी होनी चाहिए इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड इन केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इस तरीके से इसका कंपोजिशन होना चाहिए अब इनको मीटिंग अप करनी है उसका कोरम क्या है सो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर एंड नॉट मोर देन 180 डेज शैल एलैप्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीटिंग दो मीटिंग के बीच में 180 से ज्यादा डेज का गैप नहीं होना चाहिए 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अटेंडेंस बराबर तो ये कोरम के भी क्राइटेरियाज हो गए तो ये क्राइटेरियाज है जो चेंजेस हो चुके हैं अभी पहले रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी सारी अलग तरीके से चीज़ें होती थी अब काफ़ी सारी अलग तरीके से चीज़ें होगी और नए रूल्स एप्लीकेबल हो चुके हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6 कॉर्पोरेट पॉलिसीज डिस्क्लोजर्स जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है 24 एंड 27(2) 24 is a corporate governance requirement with respect to subsidiary of the listed entity. So, देखो, a listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary resulting in reduction of its shareholding to less than or equal to the 50% without passing a special resolution in its general meeting. क्या लिखा है देखो, listed company है अगर कोई shall not dispose of its shares in its material subsidiary. रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग वो लोग अपने शेयर होल्डिंग को रिड्यूस नहीं कर सकते जहाँ पे वो मटेरियली सब्सिडरी उसकी जो कंपनी है वहां पे ठीक है क्या लिखा है आगे टू इट्स शेयर होल्डिंग टू लेस देन और इक्वल टू 50% लेस देन और इक्वल टू 50% कब नहीं कर सकते अगर ये नंबर आप 50% वाला क्राइटेरिया जो देख रहे हो वो और अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मतलब देखो टू लेस देन और इक्वल टू 50% चलो एक एग्जांपल लेते कि 50% पे अगर आ रहे तो 50% से ज़्यादा है मतलब समझो 65-70% आप होल्ड करके रखे हो लेकिन अगर आपको 50% पे अभी आ जाना है कि 50% ही होल्डिंग रखेंगे सब्सिडरी में बराबर तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर और 27(2) क्या बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट टू बी फाइल्ड विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर
Earlier, it was filed within 15 days in order to uniformity with the submission of the shareholding pattern. पहले हर क्वार्टर के एंड होने पे 15 दिन में रिपोर्ट करना सबमिट करना पड़ता था, जो अब 21 डेज हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेज में ये लोग अमेंडमेंट लेके आए हैं। नेक्स्ट वही चैप्टर के अंदर कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स में 44(3) एंड शेड्यूल 3 पार्ट ए पैराग्राफ ए क्लॉज 4। तो 44(3) में वोटिंग जो रिजल्ट्स होते हैं, वोटिंग रिजल्ट्स उसके ऊपर क्या है। सो लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ इट्स जनरल मीटिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द वोटिंग रिजल्ट्स। अर्लियर रिजल्ट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। पहले रूल था कि 48 आवर्स के अंदर कंक्लूजन सबमिट करना पड़ता है टू द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ उसको 2 वर्किंग डेज बना दिया है। 48 आवर्स और 2 वर्किंग डेज में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, ठीक है। तो अब वो 2 वर्किंग डेज हो चुका है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 3 पार्ट ए पैराग्राफ ए में द फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ द मीटिंग फॉर द डे ऑन विच इट हैज बीन कंसिडर्ड बाय द बोर्ड इन केस इफ द मीटिंग हेल्ड फॉर मोर देन 1 डे। बराबर, तो ये एक छोटा सा चेंजेस है। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट करके जो चैप्टर 7 है उसका अमेंडमेंट 24A सेक्रेटरियल ऑडिट को लेके है। एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट एंड शैल एनेक्स अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय CSN प्रैक्टिस इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड विद द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। क्या करना पड़ेगा, मटेरियल लिस्टेड सब्सिडरीज जो है इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, ठीक है, शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट एंड शैल एनेक्स सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द CSN प्रैक्टिस। एनुअल रिपोर्ट में CSN प्रैक्टिस से जो सर्टिफिकेट लेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट का सब्सिडरी कंपनी का, वो साथ में अटैच करना जरूरी है। अभी एवरी लिस्टेड एंटिटी shall submit a secretarial compliance report in such form as may be specified to the stock exchange within 60 days from the end of the each financial year. बराबर, so हर listed company को जो compliance report है वो भी submit करना है अभी, बराबर, financial year end होने पे within 60 days के अंदर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 13 जो इंटरनल कंट्रोल करके एक चैप्टर था, ठीक है, उसमें है 7(3) के अंदर कंप्लायंस सर्टिफिकेट में। बराबर, सो विद इफेक्ट फ्रॉम द रिसेंट अमेंडमेंट द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द एक्सचेंज ड्यूली साइन बाय बोथ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अर्लियर द सेम वाज टू बी सबमिटेड विद 1 मंथ ऑफ ई एंड ऑफ द ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहले ये सब प्रोविजन सेम ही थे, लेकिन पहले क्या होता था कि अर्लियर द सेम वाज टू बी सबमिटेड विद 1 मंथ ऑफ एंड ऑफ ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर सबमिट करना है। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया है, अब उसको 30 डेज कर दिया है और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही कर दिया है। पहले साल में 2 बार करना पड़ता था, अब साल में 1 ही बार करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल में 32 में स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन वेर द लिस्टेड एंटिटी एज अपॉइंटेड अ मॉनिटरिंग एजेंसी टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक और राइट इश्यू द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ स्टॉक एक्सचेंज एनी कमेंट्स और रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द मॉनिटरिंग एजेंसी विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। अगर लिस्ट जैसे कोई लिस्टेड एंटिटी के मॉनिटरिंग एजेंसीज है, ठीक है, जो पब्लिक इश्यू राइज्ड इश्यू ये सबके ऊपर उनको रिपोर्ट्स बना के देती है, तो वो रिपोर्ट्स स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी शेयर करना पड़ेगा 45 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है। देन CSR, तो CSR के अंदर जैसे मैंने बोला कि CSR के अंदर पूरा अमेंडमेंट है, बराबर, जो लंबा चौड़ा अमेंडमेंट है तो वो आपको यूट्यूब के चैनल पर भी मिल जाएगा, और तो वो तो देखना ही है। प्लस बिसाइड दैट, ठीक है, रेगुलेशन 34 एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड है, उसमें क्या चीजें हैं देखो। द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट शैल बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड देयर आफ्टर विद इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 22-23 द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल सबमिट
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर ऑन ESG पैरामीटर्स टू एनेबल कंपेरेटिवली अक्रॉस कंपनी सेक्टर्स एंड टाइम शेल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। देखो क्या लिखा है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब पहले सबको एप्लीकेबल होता था लिस्टेड एंटिटीज को, अब उसको चेंज करके खाली टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को ये बोल दिया कि तुमको ही ये करना पड़ेगा, जिसके अंदर तुमको तुम्हारा ESG ये वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस है, अगेन इट इज रिलेटेड टू CSR चेंजेस ओनली। क्लियर? चलो तो ये इसी के साथ यहाँ पे जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ज़्यादा इतने कुछ ह्यूज अमेंडमेंट्स है नहीं, एक ह्यूज अमेंडमेंट है जो मैंने CSR का बोला आपको, तो वो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। सो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो वो एक बार अच्छे से देख लो। बाकी जो चैप्टर वाइज छोटे छोटे डेज में अमेंडमेंट्स थे वो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।